आखिर क्या कर रहा है? नाश्ता कर रहे हो? जी स्कूल जाना है आज? जी मजा आएगा? जी क्या करोगे वहाँ पे? जी स्कूल में क्या करोगे? बुक पे आए पढ़ाई करोगे? हाँ। और क्या करोगे? कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं करोगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मेरे छोटे बेटे का पहला दिन है डे केयर का और उसको मैं डे केयर लेके जा रही हूँ। आहिल बेटे इधर जाना है। और आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होगा, बस जल्दी आ जाएंगे हम घर, ज़्यादा देर नहीं वहाँ पे रुकेंगे। हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से जो स्नो है वो मेल्ट हो रही है, टेम्परेचर भी प्लस में है, तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल है बाहर चलना, पाँव भी स्लिप हो रहे हैं और वो सारा पानी पानी सा हुआ है मेल्ट होने की वजह से। इसका जो डे केयर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही है, ऐसे ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। चलो उधर है पापा, आ जाओ, वो उधर है, चलो। अभी तो इसके पापा हमें गाड़ी में छोड़ देंगे क्योंकि वो भी काम पे जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं छोड़ देता हूँ, तो वापसी पे हम लोग पैदल आ जाएंगे। डे केयर से हम लोग जल्दी फारिग हो गए थे और वहाँ मुझे वीडियो बनानी बिल्कुल मुझे मौका भी नहीं मिला और मुझे याद भी नहीं आया, जहन में भी नहीं आया कि मैं वीडियो बना लूँ, बस जल्दी जल्दी मैं सारा कुछ करके तो हम फ्री हो गए। और फिर उसके बाद अभी काफ़ी टाइम था बड़े बेटे के स्कूल से आने में, तो मैं शॉपिंग मॉल चली गई क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो चाहिए थी, ज़रूरी बच्चों की लेने वाली थी, तो घर के पास ही ये शॉपिंग मॉल, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग फिर वहाँ चले गए, वहाँ से कुछ शॉपिंग की और ऐसे ही मैंने छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना लिए, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो किसी वक्त जब टाइम होगा और शॉपिंग वगैरह करनी होगी तो फिर मैं प्रॉपर एक डिटेल में जो है वो वीडियो बनाऊँगी शॉपिंग की भी और मुख्तलिफ़ स्टोर्स वगैरह में जाके। तो अभी आप लोग ये वीडियो देखें और इन्जॉय करें। शॉपिंग मॉल से फिर घर आके भूख लगी हुई थी काफ़ी और बड़े बेटे का भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, तो जल्दी में मैंने फिर बॉयल्ड एग के ये फिलिंग करके पराठे बना लिए। एग पहले से ही बॉयल किए हुए थे बच्चों के लिए नाश्ते में, उन्होंने नाश्ते में खाए नहीं, तो मैंने कहा जल्दी से अब इसी के ही पराठे बना लेते हैं। और ये पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। मैंने इसकी रेसिपी जो है वो ऑलरेडी शेयर की हुई है चैनल पे, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और जिनके बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो एग नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से उनको पराठा बना के दें, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और बहुत मज़े से खा लेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तो अल्लाह हाफिज़।